नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास, भूगोल या किसी भी तरीके की जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने निकाली रिक्तियां। अब से डाकघर की सेवाओं के लिए QR कोड भी मान्य। बोचहा सीट पर राजद ने मारी बाजी। जमुई की ज्योति को मिले बिहार महिला T20 टीम में जगह। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 10वीं पास के लिए निकाली गई वैकेंसी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने निकाली रिक्तियां। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी, कार्यकारी अभियंता, सलाहकार तकनीकी सहायक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कुल मिलाकर 28 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10 साल के अनुभव के साथ फाइनेंस, HR में MBA, सिविल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ बैचलर्स डिग्री और 15 साल का अनुभव इंजीनियरिंग में स्नातक या फिर डिप्लोमा और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 2 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.biadabihar.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। अब से डाकघर की सेवाओं के लिए QR कोड भी मान्य। बिहार में अब पोस्ट ऑफिस QR कोड से राशि भी लेने वाला है, यानी कि अब एक QR कोड को ऑन स्पॉट स्कैन करके डाकघर से डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और मनी ऑर्डर, ई पेमेंट्स जैसे अनेक सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। विभागीय UPI के माध्यम से डिजिटल पेमेंट शुरू हो गई है। इस बाबत डाक अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि विभागीय आदेश के आलोक में फिलहाल उपरोक्त सेवाएं केवल प्रधान डाकघर के MPCM अर्थात मल्टीपर्पज काउंटर मशीन के माध्यम से शुरू की जा रही है। क्रमवार लेखा और शाखा डाकघरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मीरा कुमार की। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक है। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में UPA की उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिसमें वो 34% मतों से पराजित हुई। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बाबू जगजीवन राम और इंद्रानी देवी के यहाँ सासाराम बिहार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के महारानी गायत्री देवी स्कूल में हुई। मीरा कुमार ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज में MA और LLB तक शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1973 में वो भारतीय विदेश सेवा के लिए चुनी गई थी। बोचहा सीट पर राजद ने मारी बाजी। बिहार में हाल ही में हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम बीते दिन जारी कर दिए गए, जिसमें ही राजद प्रत्याशी अमर कुमार पासवान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की बेबी कुमारी को 36,653 मतों से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी जानकारी निर्वाचन आयोग ने शनिवार को जारी की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजद उम्मीदवार के पिता मुसाफिर पासवान का निधन हो जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी थी। मुसाफिर पासवान साल 2020 में VIP सीट से मैदान में उतरे थे। वहीं इस चुनाव में राजद पहले तो भाजपा और VIP दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। वहीं जीतने के साथ ही अमर पासवान ने इसे जनता की जीत बताया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आम लोगों के लिए हुआ जारी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की सौगात दे दी है। तकरीबन 150 करोड़ की लागत से बनी अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की सुविधा है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर में अब देश सहित विभिन्न देश से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष के स्तर की बैठक इस कन्वेंशन सेंटर में हो सकेगी। सबसे खास बात यह है कि इस कन्वेंशन सेंटर में एक विशाल डाइनिंग उपलब्ध है। इस सेंटर के बन जाने से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोधगया में मीटिंग सेमिनार हो सकेंगे। स्कूल के लिए जल्द ही उठेंगे बच्चे, बदल गई स्कूलों की टाइमिंग। बढ़ती गर्मी और गर्मी के कारण हो रहे स्वास्थ्य नुकसान को लेकर अब बिहार के स्कूलों में बड़ा बदलाव किया गया है। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में भीषण गर्मी की वजह से प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। अब सभी प्राइवेट स्कूल सुबह 7:45 से 11:45 तक चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों का समय बदला गया था, अब प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। सरकारी स्कूल 6:30 से 11:30 तक चल रहे हैं, अब प्राइवेट स्कूल का समय भी चेंज कर दिया गया है। बिहार में अमीन से लेकर मल्टीटास्किंग स्टाफ की होगी बंपर बहाली। सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार के 33 आयोजन प्राधिकार को मजबूत करने के लिए करीब 296 पदों पर संविदा बहाली होगी। मिली जानकारी के अनुसार ये बहाली ड्राफ्ट्समैन, GIS एक्सपर्ट, अमीन,
आईटी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर की जाएगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग निजी एजेंसी की सेवाएं ले रहा है, जिसके बाद ही अब ड्राफ्ट्समैन के 35, जीआईएस एक्सपर्ट के 33, अमीन के 35, आईटी मैनेजर के 33, कंप्यूटर ऑपरेटर के 64 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 96 पदों पर संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया है। वहीं पटना महानगर में ड्राफ्ट्समैन और अमीन के 3-3 पद हैं। राज्य के सभी जिलों में दिया गया नीरा बिक्री का टारगेट। बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन इस कानून की धज्जिया जिस तरह से उड़ाई जा रही है, जिसके बाद ही बिहार सरकार ने बिहार में शराब की लत छुड़वाने के लिए नीरा का सहारा लिया है। अभी तक हालांकि इसकी शुरुआत केवल राजधानी पटना में ही हुई थी, लेकिन अब पटना से लेकर राज्य के सभी जिलों में नीरा बिक्री का टारगेट तय किया गया है। पटना में 2 लाख लीटर का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन की तैयारी चल रही है। सरकार के आदेश के बाद अब नीरा का उत्पादन और बिक्री बढ़ाने को लेकर तैयारी की जा रही है। प्रशासन टारगेट पूरा करने के चक्कर में हर उम्र के लोगों को नीरा पिलाने की अपील कर रहा है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट में इतने मेगावाट बिजली का हो रहा है उत्पादन। बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर अग्रसर है। यही कारण भी है कि बिहार में सरकार बिजली के उत्पादन के लिए सोलर पावर प्लांट पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में हाल ही में बिहार सरकार ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट को बनाने का काम पूरा किया था, जिसे अब चालू कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट की जा रही है। बिजली विभाग के स्थानीय पावर सब स्टेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं के घरों तक सप्लाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्लांट स्थापित करने को लेकर बिजली विभाग के तालाब पर 4004 सोलर पैनल लगाए गए हैं। जमुई की ज्योति को मिली बिहार महिला T20 टीम में जगह। बिहार महिला T20 क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें ही जमुई की ज्योति को जगह मिली है, जिसके बाद ही यह टीम अब त्रिवेंद्रम के लिए रवाना भी हो गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योति शेखपुरा जिले के वीरपुर गांव की रहने वाली है। एक साधारण परिवार की लड़की ने अपने दम पर संघर्ष कर क्रिकेट ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमेशा आगे रही है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा शेखपुरा से हुई है। पिता दयानंद प्रसाद जमुई अस्पताल के इंचार्ज है और उसका भाई राहुल भी बेहतर ऑलराउंडर है। बिहार के 23 जिलों के लोग जरूरत पड़ने पर ही दोपहर में निकले बाहर, लग सकता है लू। बिहार में गर्मी का सितम बहुत ही तीव्र है। गर्मी की मार इतनी ज्यादा है कि दोपहर होते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही बिहार के कई जिलों में तो अब लू का कहर भी है। ऐसे में मौसम विभाग ने सभी लोगों से अलर्ट मोड में काम करने की अपील की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बलूचिस्तान से राजस्थान होकर आ रही गर्म पछुआ हवा ने अपना दायरा बढ़ाकर राज्य के अधिकतर हिस्से को लू की चपेट में ले लिया है। अब दक्षिण बिहार के जिले ही प्रभावित थे, लेकिन अब उत्तर बिहार के 1-2 जिले भी लू की चपेट में आने लगे हैं। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने सूबे के 23 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। फर्जी वाहनों पर चला प्रशासन का डंडा। बिहार के शहरों की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को लेकर परिवहन विभाग सख्त है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन के साथ ही परिचालित हो रही गाड़ियों या फिर फर्जी वाहन नंबर प्लेट के साथ चलने वाली गाड़ियों पर प्रशासन अपना डंडा चला रही है। इसी कड़ी में बीते दिन राजधानी पटना समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान कुल 879 वाहनों की जांच की गई। मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 398 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और नियमों के उल्लंघन में 11 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई। ज्ञात हो अभियान के दौरान करीब 652 वाहनों के नंबर प्लेट और चेचिस नंबर की जांच की गई, जिसमें 8 वाहनों का जाली नंबर प्लेट पाया गया। ऐसे वाहन जब्त कर कार्रवाई की गई है। पेट्रोल डीजल के बाद महंगा हुआ पीएनजी और सीएनजी। बिहार के लोग गर्मी के साथ साथ महंगाई की मार भी झेल रहे हैं। आलम कुछ यूं है कि बिहार में जितनी तेजी से गर्मी की तपिश लोगों को महसूस होती है, वैसे ही तपिश महंगाई के मामले में भी लोग झेल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी वैसे ही दबाव में थे, अब पटना में पीएनजी और सीएनजी भी महंगा हो गया है। पटना में गैस वितरण करने वाली कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए रेट के बाद पटना में सीएनजी की कीमत 72.96 रुपए से 77.96 रुपए प्रति किलो और पीएनजी की कीमत 39.87 रुपए से 44.87 रुपए प्रति SCM हो गई है। पटना में अभी सीएनजी की खपत करीब 60,000 किलो प्रतिदिन है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी। भारतीय सेना ने बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर कैंट पटना, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत कुक, धोबी, नाई, सफाई वाला, बढ़ई जैसे विभिन्न ग्रुप सी के पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए जो आवेदन भरना चाहते हैं वो इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सफाई वाला के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए, रसोइये को उम्मीदवारों की कक्षा
रसोई के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ भारतीय खाना पकाने और ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। धोबी के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए और सैन्य नागरिक कपड़ों को अच्छी तरह से धोने में सक्षम होना चाहिए। नाई के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए और नाई के ट्रेड में कुशल होना चाहिए। कारपेंटर के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं पास होने के साथ ही बढ़ई के रूप में काम करने का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अपनी जमीन खुद नहीं बचा पाने पर सरकार को हाईकोर्ट ने सुनाई खड़ी खोटी। आम आदमी तो आम आदमी, अब सरकार भी अपनी जमीन बचाने में नाकामयाब साबित हो रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये टिप्पणी पटना हाईकोर्ट ने की है। दरअसल ये मामला है राजेंद्र स्मारक के लिए चिन्हित जमीन पर किए गए अतिक्रमण का। इस जमीन पर ही बीते कई सालों से लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसको हटाना बिहार सरकार के लिए चुनौती है, तो पटना हाईकोर्ट भी अब परेशान हो गया है। इसको लेकर ही बीते दिन सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने जमीन का मुआवजा जमीन मालिकों को देकर अपने कब्जे में ले लिया है, तो फिर जमीन पर दूसरे लोग कैसे काबिज हो गए। राज्य सरकार अपनी जमीन खुद नहीं बचा पा रही है। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 6 मई तय की गई है। 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को अभी किताब के लिए करना होगा इंतजार। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे 1 अप्रैल से ही अपनी अपनी नई कक्षाओं में अध्ययन करने आ रहे हैं, लेकिन ना तो अब तक उन्हें किताब खरीदने के पैसे सरकार की तरफ से दिए गए हैं और ना ही जिलों में किताबें ही पहुंची हैं। आलम कुछ यूं है कि नए सत्र के पहले महीने का आधा समय बीत जाने के बावजूद फिलहाल किताब को लेकर शिक्षा महकमा में राज्य मुख्यालय से लेकर जिला तक कोई सुगबुगाहट नहीं आरंभ हुई है। ऐसे में इन 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को नई कक्षा की पाठ्य पुस्तक के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 4 दिन पूर्व पीएबी की बैठक में केंद्र सरकार ने बच्चों को किताब के लिए 520 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी है, लेकिन अभी तक राशि बच्चों तक पहुंचने में कई प्रक्रिया से गुजरेगी, उसके बाद ही ये हो पाएगा। बिहार की ज्यादातर नदियां प्रदूषित। बिहार की गंगा सहित ज्यादातर नदियां जिसके पानी का इस्तेमाल आप कई कामों में करते होंगे, वो अब काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। कई नदियों का हाल तो कुछ ऐसा हो गया है कि पानी नहाने लायक तक भी नहीं बचा। यह खुलासा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ है। छोटी बड़ी 12 नदियों के करीब 139 स्थलों पर पानी की गुणवत्ता की जांच की गई। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नदियों के कई घाटों का पानी पीने और नहाने के लायक तक नहीं है, यहां तक कि उसे फिल्टर भी नहीं किया जा सकता। बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी रक्सौल के सिरसिया नदी का है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य की नदियों के पानी की गुणवत्ता की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें शहरों के किनारे से गुजरने वाली नदियों की हालत बेहद खराब पाई गई है। पटना महावीर मंदिर में अब साल में 2 बार मनाई जाएगी हनुमान जयंती। वैसे तो साल में हनुमान जयंती केवल एक बार ही मनाई जाती है, लेकिन अब से राजधानी पटना के महावीर मंदिर में इसे 2 बार मनाया जाएगा। रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तारीख को हनुमान जयंती मनाते हैं। वहीं दक्षिण भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसका ऐलान खुद हनुमान मंदिर ट्रस्ट के महासचिव आचार्य कुणाल किशोर ने की है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का कहना है कि उत्तर भारत में हनुमान जन्मोत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष तारीख को मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन महावीर मंदिर सामान्य तरीके से पूजा अर्चना होती है। बिहारी बाबू ने बंगाल में रच दिया इतिहास। बिहार में भले ही कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा को वोट नहीं मिल रहा हो और वो जीत नहीं पा रहे हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने टीएमसी का दामन थामा, उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। आसनसोल सीट पर अब तक जीत को तरस रही टीएमसी को शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचंड जीत के मुहाने पर पहुंचा दिया है। बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरुआती बढ़त को आखिर तक कायम रखा। जारी किए गए गिनती में सिन्हा सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार 1.5 लाख से अधिक वोट से पीछे देखे गए। बोचहा उपचुनाव बदलाव का जनादेश। बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया है, जिसमें यकीनन राजद को जीत की चाबी मिली है, जिसके बाद राजद ने जीत पर कब्जा तो किया ही, वहीं जीत के साथ ही राजद की तरफ से बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में मिली राजद को शानदार जीत के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जनता ने अपना जनादेश दिखा दिया। ये जीत भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह है। बोचहा की जनता ने बिहार को संदेश दिया है, तेजस्वी के नेतृत्व में प्रभावशाली बनकर राजद आगे बढ़ेगा। इस चुनाव में जनता ने एक संदेश दिया है। बिहार पहुंचे सिक्किम के मुख्यमंत्री, एयरपोर्ट को देखकर हुए खुश। बीते दिन सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बिहार पहुंचे, जिसके तहत ही वो सड़क मार्ग से किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और मधुबनी होते हुए जिला अतिथि गृह दरभंगा पहुंचे, जहां जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा प्रोटोकॉल के अनुरूप उनका अतिथि सत्कार किया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा कि बागडोगरा हवाई अड्डे के पश्चात दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक दरभंगा हवाई अड्डा ही है। इस हवाई अड्डे के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत मिली है।
जीतन राम मांझी ने बेटे को सौंपी विरासत, इन्हें दी अब पार्टी की जिम्मेदारी। चली आ रही परंपरा के तहत हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक विरासत को सौंपने का फैसला किया है, जिसके तहत ही बीते दिन बुलाई गई बैठक में उन्होंने उनकी जगह पर अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को हम का नया अध्यक्ष बना दिया है। बीते दिन पटना में आयोजित चेतना सम्मेलन में मांझी ने अध्यक्ष पद को छोड़ने की घोषणा की और अपने बेटे को पार्टी की कमान सौंप दी। जानकारों की माने तो मांझी ने अपने इस्तीफे की वजह अपने खराब स्वास्थ्य कारणों को दिया है। साथ ही बीते दिन अपनी कुर्सी छोड़ने का ऐलान करते हुए अब संतोष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अगले अध्यक्ष होने वाले हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता को 1899 में पनबिजली मिली। भारत ने 1983 में SLV-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। ब्राजील और भारत के बीच 2008 में 4 महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के बिलियर्ड्स और स्नूकर गीत सेठी का जन्म 1961 को हुआ। श्रीलंका के महानतम खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का जन्म 1947 में आज के दिन हुआ। भारत के समाज सुधारक वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री का 1946 में निधन हुआ। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 1975 में आज के दिन निधन हुआ था। व्हाट्सएप पर आए कम्युनिटीज रिएक्शन जैसे धांसू फीचर। व्हाट्सएप ने अपने अरबों यूजर के लिए फीचर्स का पिटारा खोल दिया है। जल्द ही ऐप में कई जबरदस्त फीचर जुड़ने वाले हैं, जो ऐप यूज करने के अनुभव को और दिलचस्प बना देंगे। व्हाट्सएप ने ऐप के भीतर कई बदलाव की घोषणा की है, जिसमें कम्युनिटीज फीचर के इंट्रोडक्शन के साथ 2GB तक फाइल शेयरिंग शामिल है। इतना ही नहीं, जल्द ऐप में रिएक्शन और 32 लोगों के साथ ग्रुप कॉल जैसे अन्य फीचर्स भी अपना रास्ता बनाने वाले हैं। इसके अलावा ग्रुप एडमिन की ताकत भी बढ़ने वाली है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को सभी के लिए ग्रुप चैट से अनवांटेड मैसेज हटाने का अधिकार भी देगा। बैंगलोर की 16 रनों से जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL 2022 का 27वां मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 16 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 189 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 173 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ ने 16 रन बनाए। वार्नर 66 रन बनाकर आउट हुए। मिशेल मार्स ने 24 गेंदों में 14 रन बनाए। पावेल बिना खाता खोले आउट हुए। पंत 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अब बैंगलोर ने अपनी जीत दर्ज की। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नू कुमार, रोहित सिन्हा, रोहित शर्मा, रघुनाथ प्रसाद, अमित कुमार पासवान, जितेंद्र ठाकुर, गौतम कुशवाहा, रीशु कुमार, रविशंकर कुमार, सौरभ सिंह घानिया, रविशंकर सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार उपचुनाव में भाजपा को मिली हार का क्या कारण रहा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।